आज से क्रिकेट टीमों का आना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद बांग्लादेश की टीम धर्मशाला पहुंच जाएगी। बड़ी बात यह है कि धर्मशाला को ये मौका मिला है, धर्मशाला और HPCA को, कि यहां पर वर्ल्ड कप के मैचेस करवाए जाए और HPCA के अधिकारी भी स्वागत करेंगे इन टीमों का। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम आ रही है धर्मशाला। बुधवार को अफगानिस्तान की टीम भी पहुंच जाएगी धर्मशाला। 7 अक्टूबर को मैच खेला जाना है धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में और इसी को लेकर उत्साहित है फैंस भी और खासकर धर्मशाला के लोग, क्योंकि हिमाचल प्रदेश मेजबानी कर रहा है वर्ल्ड कप के मैचेस की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा धर्मशाला से मनोज धीमान, उनसे हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। मनोज, मैचेस शुरू होने जा रहे हैं धर्मशाला के स्टेडियम में और खासा उत्साह देखने को मिल रहा होगा हिमाचल वासियों में भी, दूसरे राज्यों से, विदेशों से भी लोग आएंगे और अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम भी आने वाली है। बांग्लादेश की टीम सबसे पहले आ रही है धर्मशाला, क्या तैयारियां हैं मनोज? बिल्कुल कमल, देखिए धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को 5 वर्ल्ड कप के मैच मिले हैं जी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आज से जो है वो क्रिकेट टीमों का आगमन शुरू हो चुका है। कुछ देर के बाद जो है बांग्लादेश की टीम यहां पहुंच जाएगी और बुधवार को अफगानिस्तान की टीम यहां पहुंच जाएगी और दोनों टीमें यहां पर प्रैक्टिस करेंगी, क्योंकि 7 तारीख को सबसे पहला मैच जो है धर्मशाला में इन्हीं का होना है। जो धर्मशाला को 5 मैच मिले हैं उनमें से एक मैच जो है अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम के बीच खेला जाएगा। तो इस वक्त हम गगल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यहां पर अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। स्टेडियम की बात की जाए तो स्टेडियम का काम पूरा कर लिया गया है, पूरी तरह से स्टेडियम को सजा दिया गया है। और धर्मशाला में अगर आप बात कर रहे हैं कमल की किस तरह से टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मैच है, इंटरनेशनल टीमें यहां पहुंच रही है, वर्ल्ड कप के मैच पहली बार यहां हो रहे हैं, ऐसे में जो दर्शक आएंगे उनके लिए सुविधाओं को जो एक ताक पर रखा गया है, सुविधाएं जो है पूरी करवाई जाएंगी। और होटल्स की बात करें तो होटल्स पूरी तरह पैक हैं, कोई भी होटल जो है आपको खाली नहीं मिलेगा। जिला कांगड़ा की बात करें तो जिला कांगड़ा में हर होटल जो है वो पैक हो चुका है, क्योंकि जो भारत और न्यूजीलैंड का मैच होना है उसको लेकर के अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है और बाकी जो मैच होने हैं उनको लेकर भी अच्छा खासा उत्साह जो है वो दर्शकों में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो है पूरी की पूरी धर्मशाला एक किस्म से पैक है। और सुरक्षा की अगर बात की जाए कमल तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है, बाहर से फोर्सेस बुलाई गई है, बटालियन से पुलिसकर्मी बुलाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि जो मैच है उनको सफलतापूर्वक करवाया जा सके और कोई ऐसी घटना ना हो। ऐसे में आज से जो है टीमों का आगमन भी शुरू हो रहा है। और सबसे अहम बात तो ये है कमल की भारत और न्यूजीलैंड का मैच जो है वो आकर्षण जो है वो सभी दर्शकों के लिए बना हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड का मैच जो है यहाँ पर होना है और इस मैच के लिए जो है लोग जो टिकटें थी वो टिकट जो ऑनलाइन थी वो सारी की सारी फुल हो चुकी है। अब लोगों को इंतजार है तो सिर्फ उन टिकटों का, जब ऑफलाइन टिकट का काउंटर खुलेगा और उस वक्त जो टिकटें मिल पाएंगी वही टिकटें वही दर्शक जो है मैच देख पाएंगे, अन्यथा लोग जो है वो घर में बैठ करके मैच देखेंगे। स्टेडियम के अंदर जो है वो वही लोग आ पाएंगे जिनके पास। एक बार धर्मशाला के स्टेडियम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, कितनी कैपेसिटी है धर्मशाला के स्टेडियम की दर्शकों के लिए, क्या क्या यहाँ पर अलग विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद है, कैसा नजारा होता है यहाँ पर मैच देखने का और क्यों सबसे अलग धर्मशाला का ये क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है मनोज, जबकि यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस पहले भी हमने देखे लेकिन वर्ल्ड कप के मैच होना बड़ी बात है, क्योंकि मोहाली में भी नहीं हो रहे वर्ल्ड कप के मैच, उसको लेकर राजनीति भी हमने देखी लेकिन धर्मशाला को ये गौरव प्राप्त हुआ है कि वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं वो भी क्रिकेट के, और क्रिकेट को लेकर कितनी दीवानगी है भारत में लोगों के बीच ये किसी से छिपा नहीं है मनोज। बिल्कुल कमल, जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो विश्व पर अपनी छाप छोड़ चुका है और सबसे खूबसूरत स्टेडियम में इनका इसका नाम शुमार हो चुका है। पहले तो कमल बिल्कुल जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ से जो स्टेडियम का छोर है और दूसरी तरफ सुंदर धौलाधार की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का जो मनमोहक आकर्षण है वो कहीं ना कहीं जो है दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और दर्शक ही नहीं बल्कि जो खिलाड़ी है उनको भी ये स्टेडियम बहुत अच्छा खासा जो है वो पसंद आता है और यहाँ पर वो अक्सर यहाँ मैच खेलने की प्रतिक्रिया भी जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में 25,000 से 28,000 के बीच जो है इसकी कैपेसिटी जो स्टेडियम की है, इस स्टेडियम की कैपेसिटी है 25,000 से 28,000, तो लोग जो है वो यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन स्टेडियम छोटा है, छोटे स्टेडियम को देखते हुए जो है इसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। हालांकि आने वाले भविष्य में हो सकता है कि HPCA इसकी जो है वो कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि और ज्यादा दर्शक मैच देख सकें। रही दूसरी बात तो कमल बिल्कुल धर्म नगरी है, एक तरफ से धर्मशाला, दलाई लामा का टेंपल यहां पर है, खूबसूरत है, चाय बागान यहां पर है जिनको देखने के लिए भी दर्शक यहां पहुंचते हैं। मैच के साथ साथ जो
यहाँ की प्रकृति है उसका भी लुत्फ उठाने के लिए दर्शक यहाँ पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टेडियम है अब एक आकर्षण जो है वो दर्शकों का बन चुका है। और ये जो पांच मैच हैं, ये पांच मैच सबसे महत्वपूर्ण मैच माने जा रहे हैं धर्मशाला के लिए। और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि पांच मैच वर्ल्ड कप के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे हैं, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। हालांकि आईपीएल के मैच यहाँ पर हुए हैं, कुछ पंडित भी यहाँ हुए हैं। और कमल, बड़ी बात तो दर्शकों तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि कई बार गुमराह किया जाता है, और इस बार जो है जो बारिश है उस पर रोक लगा दी गई है। इंद्रनाथ की पूजा जो है वो सबसे पहले कर ली गई थी, क्योंकि अक्सर मैचों के बीच में बारिश हो जाती थी तो घंटों तक मैच को रोकना पड़ता था, लेकिन इस बार इंद्रनाथ की पूजा कर ली है। और आस्था है कि जो भी इंद्रनाथ की पूजा करते हैं तो इंद्रनाथ अवश्य ही उस मनोकामना को पूरी करते हैं। ऐसे में जो पांच मैच होने हैं, पांच मैचों को सफलतापूर्वक करवाने के लिए एचपीसीए के अधिकारियों ने पहले ही इंद्रनाथ में जाकर के पूजा अर्चना कर ली है और मन्नत मांग ली है कि क्रिकेट को भी एक धर्म माना जाता है हमारे देश में, और आस्था तो होनी होनी है। और जो पूजा इंद्रनाथ की गई है, अब यही उम्मीद करते हैं कि बारिश खलल न डाले और ये जो पांच मैचेस होने वाले हैं धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में, ये बहुत सफलतापूर्वक हो जाए संपन्न। खासकर आपकी और मेरी नज़र भारत न्यूजीलैंड के मैच पर भी टिकी हुई है मनोज, बस वो मैच बहुत अच्छे से हो और हमारी झोली में वो जीत जरूर आए, यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, आपने जानकारी दी है। वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान आपसे जानकारी हम लेते भी रहेंगे।